हेलो फ्रेंड्स, तो वो समय आ गया है जब आप लोग कहेंगे, अरे प्लांट और ट्रीज़ के साइंटिफिक नेम तो मुझे याद है यार। ठीक है, तो हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अब से 20 मिनट बाद आप लोग खुद बोलेंगे कि आपको ये सब याद हैं। और आप लोगों के लिए मैंने टेस्ट भी रखा है लास्ट में, और उस टेस्ट में आप 100% स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, तो आपको मैं याद करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कराना, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। अब देखो, पहला है हमारा नीम। अब नीम का जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके नीम से। आपने सुना होगा हिमालया नीम फेस वॉश, चुटकी वाला ऐड, साबुन बनता है, टूथपेस्ट बनता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ये करते क्या है, आपको रोगों से, डिजीज़ से मुक्त कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। यही नहीं, नीम का पेड़ तो हर घर में आपको मिलेगा, शहरों में न सही, गाँव में चले जाओ, हर घर में आपको नीम का पौधा या पेड़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास की जो एयर होती है ना, वो बहुत शुद्ध होती है। अब शुद्ध एयर होगी तो आप शुद्ध एयर को लोगे सांस के द्वारा, और आप कैसा रहोगे, निरोग रहोगे, निरोगी रहोगे, डिजीज़ से मुक्त या आज़ाद रहोगे। तो नीम क्या करता है, आपको आज़ाद कर देता है डिजीज़ से, रोग से मुक्त दिला देता है। तो जो आज़ाद दिला रहा है आप लोगों को, वो खुद भी आज़ाद ही रहेगा। तो हमने क्या कहा, नीम आपको आज़ाद दिलाता है और खुद भी आज़ाद ही रहता है इंडिया में। देखो उसका साइंटिफिक नेम भी हमने ऐसे बना दिया, नीम सबको आज़ादी दिलाता है रोगों से और खुद भी आज़ाद ही रहता है इंडिया में। तो इस तरह से आपको याद हो गया, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा नीम का साइंटिफिक नेम, तो नीम तो आपको आज़ादी दिलाता है रोगों से और खुद भी आज़ाद ही रहता है इंडिया में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टोबैको। टोबैको मतलब तंबाकू के पेड़ या पौधे की बात कर रहा है। तो टोबैको प्लांट की बात करते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, निकोटीना टोबैकम। अब देखो बिल्कुल साफ साफ है, इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, टोबैको, और इसके साइंटिफिक नेम में भी आपको क्या मिल रहा है, टोबैको। और हम जानते हैं टोबैको में क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है। तो दो दो ट्रिक हो गई, टोबैको भी मिल गया, निकोटीन भी मिल गया। चलो अगला देखते हैं क्या है। अगला है बनियान, जिसको क्या बोलते हैं, बरगद। जो बरगद का पेड़ होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बनियान कहते हैं ना। तो हमने इसका साइंटिफिक नेम क्या देखा, फिकस बैंगहेलेंसिस। ठीक है, थोड़ा प्रोनंसिएशन में मत जाना बॉस। ठीक है, तो फिकस बैंगहेलेंसिस। अब इसको याद कैसे करना है वो देखो आप। तो बनियान, बॉयज़ बनियान पहनते हैं ना, तो कैसी बनियान पहनते हो, जब नई बनियान लाते हो तो आपकी बॉडी फिट रहती है, एकदम चिपकी हुई बनियान रहती है बॉडी के, इस तरह से रहती है ना। फिर वो बात अलग है, दो तीन महीने बाद ढीली ढाली हो जाती है, फिर पोछे मारने के काम आती है। तो बनियान कैसी पसंद है आप लोगों को, एकदम फिक्स, आपकी बॉडी के चिपकी हुई रहे, फिक्स। तो बनियान कैसी पसंद है, फिक्स। तो ये फिकस को मैंने क्या बोला, फिक्स। तो बनियान फिक्स पसंद है, चाहो तो आप इसे बरगद से भी कर सकते हो। देखो बरगद का पेड़ आपने सबने देखा होता है, ठीक है, तो बरगद का पेड़ ऐसा भारी सा होता है, भरकम सा होता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हर कुछ उड़ जाएगा, लेकिन बरगद का पेड़ अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। भैया कितना भारी भरकम होता है यार। ठीक है, तो बनियान से भी हमने देख लिया, फिक्स बनियान पसंद है हमें शाहरुख खान की तरह, और बरगद का पेड़ अपनी जगह पर फिक्स रहता है। चलिए अगला देखते हैं, तुलसी। अब आपने देखा होगा आप लोगों के घर में एक पौधा तो होता ही है तुलसी का, टीवी में, सीरियल्स वगैरह में, पिक्चर वगैरह में भी आपने देखा होगा, चौक में ऐसा बाहर जो चौक होता है घर के बाहर, उसमें ऐसा तुलसी का पौधा लगा होता है, जिसमें वो मम्मियाँ आती हैं, पूजा करती हैं उसकी, ऐसे जल चढ़ाती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ओ बोलता हूँ ना, ओ आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे अपन नॉर्मली बोल देते ना, ओ भाई। ठीक है, ओ ध्यान कहाँ दे रहा, ओ कहाँ जा रहा है तू, तो ओ करके बात करते हैं ना, तो मैं भी आपसे ऐसे ही कर रहा हूँ, ओ सी, सी मतलब वो देखने वाला सी। ठीक है, तो ओ सी मम, मम मतलब मम्मी, तो ओ सी मम तुलसी में पानी दे रही है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, ओ सी मम तुलसी में पानी दे रही है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तुलसी का साइंटिफिक नेम बताइए, तो आप क्या कहोगे, दूसरे से कोई भी आपसे कह रहा है, ओ सी मम तुलसी में पानी दे रही है, तुलसी में पानी देती है। ठीक है, कौन, मम। तो हमने क्या कहा, ओसी मम तुलसी में पानी दे रही है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, ओसी मम सैंक्टम। तो जब भी आएगा, अभी अपन ऑप्शन से क्वेश्चन लगाएंगे, देखना वहाँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है, बैम्बू। बैम्बू यानी कि क्या होता है, बांस, बांस को ही बैम्बू कहते हैं इंग्लिश में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बैम्बूसा एरिडिनेरीफोलिया, बैम्बूसा एरिडिनेरीफोलिया। तो देखो इसका तो बहुत आसान है, कुछ ट्रिक ही नहीं चाहिए हमें, तो बैम्बू का बैम्बू ही आ रहा है, बैम्बूसा से हमने क्या निकाल लिया, बैम्बू। तो साइंटिफिक नेम ऑफ बैम्बू, बैम्बू हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं क्या है, अगला है कैक्टस। कैक्टस के पेड़ दिखे ना, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैक्टकेई, कैक्टकेई। तो देखो ट्रिक ही नहीं चाहिए, इसमें नाम छुपा हुआ है इसका, तो कैक्टस ये रहा, कैक्टक, कैक्टस, कैक्टस मिल गया ना, तो ऑप्शन देखेंगे हम, डायरेक्ट लगा देंगे कैक्टस। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अगला है
सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा हो। टूथपेस्ट आता है ना बबूल का, ठीक है। तो बबूल, अब देखो बबूल का मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भैया पेप्सोडेंट कोलगेट वगैरह कोई मतलब बहुत महंगे महंगे आते हैं, बबूल का टूथपेस्ट लेकर के आओ, ठीक है। फिर आप क्या कहते हो मुझसे, वी से वे, अच्छा एल से ले लिया। मैंने कहा ले लिया तो कितने का आया, तो आप क्या कहते हो, निल, बिल्कुल 0 रुपए का, एकदम टिकाऊ है, संदा सस्ता सुंदर टिकाऊ है। तो ट्रिक क्या बनी, मैंने आपसे क्या कहा, भैया बबूल का टूथपेस्ट लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो आपने क्या कहा, वे अच्छा ले लिया वो तो। मैंने कहा कितने का आया, आप कहते हो निल, एकदम 0 रुपए का, सस्ता सुंदर टिकाऊ है। भाई टिकाऊ तो हो गई ना, बबूल का पेड़ है, तो बबूल के पेड़ से हमने बबूल निकाल लिया, तो बहुत सस्ता पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो ट्रिक भी ऐसे बन गई, वे अच्छा ले लिया, कितने का है, निल, निल मतलब 0 रुपए का, एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ है, ठीक है। तो इस तरह से याद आ गया। अब बबूल का साइंटिफिक नाम जब भी पूछेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा हो, तो अच्छा वे तो ले लिया, कितने का है, निल, 0 रुपए का, एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ है, बन गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब हम इसमें नेगेटिविटी ही ढूंढ रहे थे अब तक बचपन से, अब मैं आपको इसमें पॉजिटिव चीज़ दिखाता हूँ। भाई आपने देखा होगा ये फ़ोन के जो तार होते हैं उसमें ऊपर ही ऊपर जा करके इस तरह से रिसीवर लगाए जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया ये लोहे का ढांचा जो है ये तो फालतू की चीज़ है, सिर्फ उसको ऊंचाई देने के लिए, काम की चीज़ तो यही है रिसीवर। तो मैंने क्या कहा, अब ये ऊंचाई हमने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तो आप एक काम करो ना, ये लोहे का स्ट्रक्चर मत बनाओ, ये डायरेक्ट रिसीवर जा कर के यहाँ लगा दो खजूर के पेड़ पे, पैसा बच गया इकोनॉमी, ठीक है। तो पैसा बच गया तो काम हो गया हमारा, खजूर कितना काम की चीज़ निकली। तो हम टावर ये कहाँ लगा देंगे, टावर की जगह अब हम क्या यूज़ करेंगे, खजूर का पेड़, और ऊपर जा करके इसके रिसीवर लगा देंगे, ये भी ऊंचाई उतनी दे रहा है, ठीक है। तो खजूर का पेड़ हमारे किस काम आ रहा है, फ़ोन के टावर के काम आ रहा है, तो खजूर का फोन लिंक बन गया, मैंने यहाँ पर रिसीवर लगा दिया, तो इसका किससे लिंक बन गया, खजूर का पेड़ फोन के टावर के काम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा, आपसे पूछा जाएगा खजूर का साइंटिफिक नेम तो आपको याद आ जाएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अभी तक तो काम का नहीं था लेकिन अब काम का हो गया है, हम उसे टावर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा टावर, फोन का टावर, तो फोन आप देख लोगे और आंसर लगा दोगे। इसका इंग्लिश में नेम भी ध्यान रखना, क्या होता है, डेट पाम ट्री, PALM, पीछे छुप रहा है ये, तो PALM पाम ट्री। चलिए अगला देखते हैं, अशोका। तो देखो अशोका बहुत सिंपल है, ये खुद ही कह रहा है अपना साइंटिफिक नेम, खुद ही बता रहा है कि भैया सारा का सारा आपको यहाँ मिल जाएगा नाम, ठीक है। तो सारा अशोका, अशोका यहाँ लिखा हुआ है, सारा का सारा मिल गया नाम, ठीक है। तो बिल्कुल सारा नाम मिल गया, हम भी समझ रहे हैं, तो अशोका सारा मिल गया अशोका, तो सारा का अशोका, तो ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। चलिए अगला देखते हैं, चंदन। ये चंदन कपिल शर्मा वाला चंदन नहीं है, ठीक है। तो चंदन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैंडलवुड, ये तो पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो सैंडलवुड, अब देखो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैंटलम एल्बम। अब इंग्लिश में देख लो पहले, सैंडलवुड बोलते हैं। अब देखो इसका साइंटिफिक नेम में भी क्या आ रहा है, सेंटल, सेंटल। अगर मैं टी की जगह डी लगा लूँ तो हल्का हल्का साउंड तो वैसे ही आ रहा है, सेंटल सेंटल। तो सेंटल वाला तो एक ही पेड़ है चंदन, तो इससे हम लगा लेंगे। चाहो तो आप हिंदी में भी याद करना चाहो तो कर लो, चंदन। चंदन का हम कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो भगवान के तिलक लगाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका पेस्ट बना करके हमारे चेहरे पे लगाते हैं, चंदन हमारे चेहरे पे लगाएंगे तो आपका मुख चंदन की तरह चमकने लगेगा, ठीक है। अब जब भी आप सुंदर लगते हो तो आप क्या करते हो, सेल्फी लेते हो, और सेल्फी लेने से क्या आता है, फ़ोटो, और फ़ोटो हमेशा कहाँ लगाया जाता है, एल्बम में। तो इस तरह से हमारा लिंक बन गया, चंदन लगाया चेहरे पे, सुंदर दिखे, फ़ोटो खींचा और लगा दिया एल्बम में। तो चंदन से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सैंडल से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो सैंडल एल्बम इसका साइंटिफिक नेम होता है, हम क्वेश्चन लगाएंगे देखना मजे आएंगे। अगला है शीशम, शीशम का जो पेड़ होता है इंग्लिश में देख लो इसे क्या बोलते हैं, इंडियन रोजवुड। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, दलबर्गिया सीसो। समझ में आ गई होगी ट्रिक क्या है, येल्लो येल्लो डट्टी फेल्लो, मैंने यहाँ पे येल्लो येल्लो से कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं एम लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, शीशम, तो सीसम, सीसम, एम लगा दो तो सीसम, सीसम में भी बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है बॉस, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया शीशम का, शीशम यहाँ पे आपको यही ढूंढना है, ज़्यादातर में मैंने इस तरह से सेट किया है कि इसका नाम आपको यहाँ छिपा हुआ है वो आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो शीशम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हम ढूंढ लेंगे और आंसर लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं, टीक। टीक मतलब क्या होता है, सागवान का पेड़।
अब इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। अब देखो मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ, टीक, टीक ही पढ़ूंगा ना। अब इसके साइंटिफिक नेम में क्या है, टेक्टोना। अगर मैं आगे के तीन लेटर को पढ़ूँ तो क्या पढ़ रहा हूँ, टीक। टेक नहीं पढ़ो, ठीक है, प्रोनंसिएशन की क्लास नहीं है ये, ठीक है, ये आपको याद कराने की क्लास है। तो इसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ, टी ई सी को, टेक, टिक टिक टिक। और टिक 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 मतलब क्या होता है, सागवान। तो आपसे पूछा जाएगा साइंटिफिक नेम ऑफ सागवान या साइंटिफिक नेम ऑफ टीक, मैंने क्वेश्चन में दोनों लिखा है हिंदी और इंग्लिश में। तो साइंटिफिक नेम ऑफ टीक, तो टीक ही आपको यहाँ पे देखना है, टी ई सी मतलब टीक बन रहा है, तो आंसर यही होगा, मैच कर रहा है ना भाई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला है मिंट। अब आपने देखा होगा मिंट बहुत सी जगह हम यूज़ करते हैं, खाने की चीज़ों में, लगाने की चीज़ों में, विक्स वेपोर आती है वहाँ पे हम मिंथॉल यूज़ करते हैं। देखो मिंथॉल कहाँ से बना होता है, मिंट से हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, माउथ फ्रेशनर वगैरह वहाँ पे यूज़ करते हैं, विक्स वेपोर वहाँ पे यूज़ होता है, उसमें डला होता है मिंथॉल। तो मिंथॉल किससे बनता है, मिंट से, और इसके साइंटिफिक नेम क्या हो गया, मिंथा एरिवेंसिस। तो देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ो, मिंट का साइंटिफिक नेम क्या है, मिंथा, अगर मैं एल लगा दूँ तो मिंथाल, 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 तो मिंट से बनता है, तो इसका मतलब इसका साइंटिफिक नेम यही होगा, तो बन गया मिंथा, मिंथाल, मिंथाल, एल लगा दूंगा तो मिंथाल बन गया, एक सेकेंड, हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा मिंट का, मिंथा एरेवेंसिस, ठीक है। तो आप याद करते चलो, बस आपके सब माइंड में सेट हो रहा है, मैंने कहा है ना आपसे, तो बस वो करके दिखाऊंगा क्वेश्चन में, आप सारे राइट लगाओगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, कोटन। और कोटन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, गॉसिपियम हर्बेशियम। अब देखो इसको बहुत सिंपल है, कोटन से क्या बनती है, कॉटन की साड़ी बोलते हैं ना, महिलाएं तो ज़्यादातर बोलती है कोटन की साड़ी पहनूंगी, ठीक है। तो कोटन की साड़ी कौन पहनती है, हर, हर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, महिलाओं के लिए। तो कोटन की साड़ी पहनेंगी महिलाएं, और महिलाओं के लिए तो एक बात वेरी फेमस है, महिलाएं जब आपस में मिलती है कुछ करें ना करें लेकिन बातें ज़रूर करेंगी, पटलाया ज़रूर करेंगी, यानी कि गॉसिप्स, महिलाएं मतलब गॉसिप्स, ठीक है, ये कहावत है, ठीक है। तो कोटन से याद आएगी साड़ी, साड़ी मतलब महिलाएं, ठीक है, और महिलाएं मतलब गॉसिप, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो भाई गर्ल्स वगैरह नाराज़ मत होना किसी बात का, दिल पे मत ले लेना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब होता है धनिया, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कोरिएंडरम सटाइवम। तो कोरिएंडर, कोरिएंडर कोई ट्रिकी नहीं चाहिए बाबा, तो कोरिएंडर का कोरिएंडर हो गया, तो कोरिएंडरम सटाइवम हम डायरेक्ट देखते ही लगा देंगे, इसमें तो सोचना ही नहीं है, कोरिएंडर मतलब धनिया, ये भी पता होता है, नहीं पता हो तो याद रखना। मनी प्लांट साइंटिफिक नेम क्या होता है, एपी प्रिमनम ऑरियम। अब देखो इसको कैसे याद करना है, अब देखो बचपन में जब मैंने पहली बार मनी प्लांट के बारे में सुना था ना, तो मेरे माइंड में क्या आया था, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें से मनी आती होगी कहीं ना कहीं से, तो ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया कि ऐसा होता है, लेकिन मनी प्लांट ऐसे लगता है कि काश में मनी आई होती, तो मनी आती तो मैं क्या कर लेता भाई। देखो आजकल कुछ भी चीज़ लो तो लोन का सिस्टम हो गया है, लोन ले लो फटाफट से चीज़ मिल जाएगी, मोबाइल ले लो लोन में मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई लोन लेंगे तो किस्तें भी तो चुकानी पड़ेंगी, तो पैसा होगा, अगर मेरे पास मनी प्लांट होता जिसमें मनी आती तो मैं पैसा निकालता और अपनी किस्तें चुका देता, तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, प्रीमियम। तो प्रीमियम को क्या बोला, प्रीमियम, किस्त, तो मैं अपनी प्रीमियम चुका था, उसके बाद जो पैसा बचता तो मैं क्या, यहाँ से आगे के तीन लेटर पढ़ो, और बाकी के मैं और काम करता, ठीक है। तो मनी प्लांट से मनी निकाला और मैंने उससे किस्तें चुका दी, और भी बहुत कुछ काम कर लेता, तो यहाँ से और ले लिया और यहाँ से प्रीमियम ले लिया, तो मनी से प्रीमियम यानी कि किस्तें चुका देता, ठीक है। देखो यहाँ से अगर चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो आपको इतने में ही याद हो जाएगा, आप टिक लगा दोगे, लेकिन चाहो तो देखो अगर ये पी है इसको मैं ऊपर कर दूँ तो ये बी बन जाएगा, बी, बी फॉर बॉल, और ये आई, तो यहाँ से एक बैंक भी बन रहा है हल्का हल्का नाम, एस बी आई, तो ई बी आई, एस बी आई, तो प्रीमियम, ठीक है। मत पढ़ो इसके लफड़े में, आप तो प्रीमियम से याद कर लो, आपको याद हो गया है, तो मनी से प्रीमियम चुका दूंगा, मनी होगी तो मेरे पास किस्तें चुका दूंगा। चलिए अगला देखते हैं, आप चिंता मत करो, मैंने टेस्ट लगाया है, वहाँ धड़ाधड़ आंसर लगाओगे। लोटस, अब लोटस का आपने देखा होगा फूल ऐसे तालाब में पानी में उगता है, ऊपर आपको फूल फूल दिखता है, लेकिन एक खास बात बता रहा हूँ, तो लोटस की ये वाली जो डंडी होती है ना, नीचे वाली स्टिक, वो बहुत लंबी होती है, नीचे तक जाती है गहरी, बहुत लंबी चल जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा, जो नॉर्मल जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो तो आपके नॉर्मल होते हैं, छोटी सी उनकी स्टिक होती है, ऊपर फ्लावर होता है, लेकिन लोटस की खास बात क्या है, वो आपको पानी के ऊपर ऊपर ये प्यारा सा फूल दिखता है, ठीक है, लेकिन नीचे की जो स्टिक होती है वो बहुत लंबी होती है, नीचे तक जाती जाती है, जाती जाती है, ठीक है। तो लोटस का फूल कैसा होता है, बहुत लंबा होता है, कैसा होता है, लंबा होता है। तो अब ये बात याद रखनी है आपको, सारे फ्लावर तो आपने देखे हुए हैं, लोटस भी देखा हुआ है पानी के ऊपर दिखता है, लेकिन डंडी बहुत लंबी होने के कारण लोटस बहुत लंबा फूल है, कैसा फूल है, लंबा फूल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, निलंबा न्यूसीफेरा,
ठीक है, तो लोटस का साइंटिफिक नेम, लोटस के साइंटिफिक नेम से याद आएगा, लोटस तो सर ने बताया था बहुत लंबा होता है, तो लंबा निलंबा। चले अगला देखिए क्या है, अगला है पीपल। पीपल का अंग्रेजी में नाम है सैक्रेड फिग। ये किसी को नहीं पता होगा, बहुत से कम लोगों को पता होगा, तो पीपल तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो पीपल से देखो। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फिकस रिलीजियोसा। अब आपके माइंड में आ गया होगा फिकस तो बरगद का होता है, देखो फटाफट से आ गया ना। अब देखो इसको कैसे याद करना है, फिकस आगे भी तो पढ़ो, इसमें तो आएगा रिलीजियस। अब आपने देखा होगा पीपल के लिए बोलते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे धागे बांधते हैं महिलाएं, ठीक है, पुरुष या महिलाएं सब जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, उनको जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दीपक सब लगाते हैं, ठीक है, एक तरह से वो हमारे धर्म का प्रतीक है पीपल का पेड़, तो रिलीजियस, ठीक है। और ये कुछ लोगों का तो फिक्स रूटीन है, फिक्स है उनको सुबह सुबह जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, दीपक लगाना ही लगाना है, आरती करनी ही करनी है, तो पीपल के पेड़ के लिए याद आएगा कि ये मेरा फिक्स है, सुबह सुबह मैं अगरबत्ती दीपक लगाने जाता हूँ, जल चढ़ाने जाता हूँ, यानी कि पीपल का पेड़ हमारे रिलीजियस के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है। और पीपल का पेड़ भी मजबूत होता है, चाहो तो ऐसे भी देख लो, लेकिन मैं उससे आपको लिंक नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल फिक्स देखना है। पीपल के पेड़ में आपको ये भी देखना है, ये मेरा फिक्स है कि मैं रोज़ उसके दीपक चढ़ाऊँगा, जल चढ़ाऊँगा, यानी कि इसमें रिलीजन आपको ढूंढना है, धर्म आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं फ्रेंड्स, और उसके पहले मैं आपको चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है, तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको लाइक कर दीजिए। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1। हाँ, नंबर ऊपर नीचे हो गए थे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाइक दबा दिया होगा, आपने मुझे खुश कर दिया। चलिए मैं अब आपको खुश करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप बताएं उसका आंसर, मैं आपको 3 सेकंड दूंगा। साइंटिफिक नेम ऑफ नीम क्या होता है, तो नीम आपको क्या करता है, रोगों से मुक्ति यानी कि आज़ादी दिला देता है। ये आपको आज़ादी दिला रहा है तो खुद भी तो आज़ादी रहना पसंद करेगा, तो आज़ाद ही रहता है नीम, आज़ाद ही रहता है इंडिया में, तो आंसर डी, ठीक है। मैं आपको इतना ही समय दूंगा, 3 से 5 सेकंड आपको आंसर बताना है। साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको, तंबाकू का आपको बताना है, टोबैको ट्री का आपको बताना है साइंटिफिक नेम, तो टोबैको इसमें कहीं ना कहीं आ रहा होगा, देखो निकोटीन टोबैको आंसर होगा डी वाला। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अगला है साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान यानी कि बरगद का आपको बताना है। दोनों से हमने देखा था बनियान कैसे पहनना पसंद करते हो बॉयज, फिक्स है ना, फिक्स आनी चाहिए बनियान, या फिर बरगद में भी हमने देखा था फिक्स रहता है, चाहे आंधी आए तूफान आए वो हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहता है, तो आंसर क्या होगा। अब देखो मैंने आपके यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए दोनों डाल दिया, आपको फैसला करना है कि कौन सा वाला होगा। अब देखो इसमें तो रिलीजियस आ रहा है, तो रिलीजियस वाला तो हमने पीपल के लिए दिया था, ठीक है, तो आंसर होगा सी वाला, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रख दिया। अगला देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी, तो तुलसी में तो मम्मा पानी डालती है, तो मैंने क्या कहा था, ओ भाई सी ममा तुलसी में पानी डाल रही है, ठीक है, तो ओ सी मम सैंक्टम, तो आंसर क्या होगा सी वाला। चलिए अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ बैम्बू यानी कि बांस, तो बांस का हमने देखा था बैम्बू ही आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैम्बूसा एरिडी नेरीफोलिया, आंसर क्या होगा सी वाला। अगला देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ बबूल, सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा हो, तो मैंने कहा था भैया बबूल का ले लो टूथपेस्ट, ठीक है, तो आपने क्या कहा था वे, अच्छा ले लिया वो, तो मैंने कहा कितने का है, अरे वो तो नील यानी कि 0 रुपए का है, बहुत सुंदर सस्ता सुंदर टिका हुआ है, तो देखो पूरा आपने बना दिया था उसका, तो ये रहा वे, अच्छा ले लिया, नील 0, सस्ता सुंदर टिका हुआ है। अगला देखते हैं, इसका आंसर बी वाला होगा। कैक्टस का बताना है साइंटिफिक नेम, तो कैक्टस तो आपको उसमें मिल जाएगा, देखो कैक्टस कैक्टस कैक्टस, इसको सी पढ़ूंगा ना मैं, सी पढ़ूंगा तो कैक्टसी, तो कैक्टस, तो आंसर होगा सी वाला। साइंटिफिक नेम ऑफ डेट पाम ट्री यानी कि खजूर, ठीक है, तो पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, अभी तक तो हमने बुराई करी थी लेकिन अब हमारे काम का हो गया, हम उस पर टार लगा देंगे, मतलब टार के रूप में उसे यूज़ में लेंगे, और किसका टार होगा, वो फ़ोन का टार होगा, तो आंसर क्या होगा फ़ोन, देखो ये रहा फोनिक्स डोटुलीफेरा डेक्टुलीफेरा, प्रोनाउंसिएशन में मतदाना बॉस आपको याद हो गया है फोनिक्स। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ अशोका ट्री, तो अशोक का सारा का नाम आपको साइंटिफिक नेम में मिल जाएगा, वो ऐसे ही कह रहा है खुद, तो देखो सारा नाम आपको यही मिल जाएगा, ये रहा अशोका, आंसर होगा बी वाला। अगला देखिए सैंडलवुड ट्री का आपको साइंटिफिक नेम बताना है यानी कि चंदन, ठीक है, तो चंदन को हम सैंडल बोलते हैं, सैंडल, और हमने देखा ला सैंडल ही नाम आ रहा होगा कहीं पे, सैंडल, और हमने चंदन से भी देख लिया था, चंदन आप चेहरे पे लगाओगे खूबसूरत दिखोगे, फोटो लोगे, और फोटो कहाँ लगाते हो, एल्बम में, तो आंसर क्या होगा बी वाला, सेंटलम एल्बम। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन रोजवुड यानी कि शीशम, तो आपको साइंटिफिक नेम में ही इसका नाम छुपा हुआ मिलेगा 80%,
तो देखो सीसा 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 तेरा सीसो, अगर एम लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, सीसम सीसम, मिल गया ना सीसम। चलो आंसर क्या होगा, दलबर्गी ऑफ सीसम। अगला देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ टिक यानी कि सागवान। तो हमने इसका साइंटिफिक नेम देखा था, आपको इसका ही प्रोनंसिएशन यानी कि नाम आपको मिला ही देगा साइंटिफिक नेम में। ढूंढो, आंसर बता दिया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने। तो ये रहा, आगे के तीन लेटर लूंगा तो टिक टिक टिक, टेक नहीं पढ़ रहा हूँ, टिक टिक, ये भी क्या है, टिक 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 टिक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए वाला टेक्टोना ग्रैंडिस। उम्मीद करता हूँ सारे आंसर राइट लगा रहे होंगे, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ मिंट यानी कि पुदीना, और मिंट से क्या बनता है, मिंथॉल, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो मिंथॉल मिंथॉल आंसर क्या होगा, सी वाला मेंथा अरवेंसिस, ठीक है। चलो आंसर होगा सी वाला। अगला देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन, कॉटन की क्या बनती है, साड़ी, साड़ी मतलब लड़की, लड़की मतलब गॉसिप्स। तो आंसर क्या होगा, गॉसिपियम गर गर्बेशियम, ठीक है। यहाँ पे जी नहीं आएगा, एच आएगा, तो कोई बात नहीं, हमने तो गॉसिप से लगा दिया आंसर, बी वाला स्पेलिंग मिस्टेक टाइपो एरर था। अगला देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी कि क्या होता है, धनिया, और कोरिएंडर ही आपको मिल जाएगा साइंटिफिक नेम में। तो आंसर देखो ये रहा कोरिएंडरम सटाइवम। अगला देखते हैं बॉस साइंटिफिक नेम ऑफ मनी प्लांट, तो मनी प्लांट कहाँ से, कि ऐसा पेड़ होता जिसमें से मनी निकलता, मनी निकलता तो मैं क्या करता, सबसे पहले तो भैया अपनी किस्तें चुकाता, और देखी जाती जो करता, तो किस्तें चुकाओ, किस्तें मतलब प्रीमियम, तो ये रहा एपी प्रीमियम, ठीक है। तो ऑरियम एपी प्रीमियम से हम लगा देंगे, मनी होगी तो प्रीमियम यानी कि किस्तें चुकाएंगे सबसे पहले। अगला देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस, लोटस मैंने कहा था सारे फूल तो आपको पता है, लोटस भी आपने ऊपर से देखा हुआ है, लेकिन खास बात क्या है, मैं पानी के नीचे जाके देखा तो बहुत लंबा होता है भाई, उसकी स्टीप बहुत जाने कितनी करोड़ों किलोमीटर तक नीचे जा रही है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लोटस बहुत लंबा होता है, तो नी लंबा न्यूसीफेरा, न्यू लंबा 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 ऐसे याद करना है, ठीक है। तो नी लंबा न्यूसीफेरा। अगला देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ सैक्रेड फिग यानी कि बात क्या कर रहे हैं, पीपल की, तो पीपल को हम पूजते हैं, वो हमारे धर्म में है, तो रिलीजियस, मैं रिलीजियस की बात कर रहा हूँ। रोज में डेली ये मेरा फिक्स रूटीन है, उसमें पानी अगरबत्ती लगाने जाता ही हूँ, तो फिक्स है, फिक्स से भी हम देख लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए दोनों फिक्स दे दिए, अब आपने बता दिया होगा रिलीजियस को देख करके, तो आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका स्कोर भी 100% ही रहा होगा। और अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं दिया है तो लाइक दे दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों का वीडियो में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इंटरेस्ट है या नहीं है, ताकि मैं इस तरह की मेहनत आप लोगों पर और कर सकूँ। तो इसको लाइक दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके कोई सजेशंस हैं, तो स्वागत है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।